15 दिन के अंदर सरकार ने न्यायपालिका ने उन्हें सजा नहीं दी, मौत की सजा नहीं दी, तो उसके बाद जो है बहुत भयंकर आंदोलन जेसीबी चलानी वो सबूत नष्ट करने के लिए जो वहाँ जेसीबी चलाया गया, ये सब राजनीतिक साजिश का मकसद ये है कि अंगिता के भंडारी के जो हत्यारे उन्हें सरकार बचा रही है, सरकार बचा रही है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा उन्हें। वो हम चाले करो, हम मारेंगे उनको, जैसे उन्होंने हमारी बेटी मारी है उनको हम मारेंगे, वही दशा करेंगे उनकी। अंकिता हम शर्मिंदा है, अंकिता हम शर्मिंदा है। सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, जो अपने आप बड़े संस्कारवान बनते हैं पर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, भूखे भेड़ियों की तरह छोड़ दिया समाज के अंदर, जाओ और इन बच्चियों का तुम अपना शिकार बनाओ। थी गरीब घर से नौकरी करने को सपने होंगे, उसके सपने पूरे करने गई थी, लेकिन उसके साथ इतना गलत हुआ, तो हम लोग चुप कैसे बैठे? हम भी किसी की बेटियां किसी की बहुएं हैं, हम नहीं चाहते कि कल को हमारे साथ कोई ऐसे करे। या और तुरंत फांसी होनी चाहिए, और अगर नहीं घटी सरकारी का फैसला हमें खुद दो, हम खुद कुछ लेंगे उसको, वो हमारी सरकार हमारे हवाले कर दो, हम खुद मार देंगे, हम खुद कर देंगे कुछ चल उसका। सरकार को इतनी जल्दी क्या थी उसका रिजॉल्व तोड़ने की, आग लगाने की क्या आवश्यकता? सरकार को रिजॉर्ट गिराने की इतनी क्या जल्दी थी? क्या सबूत मिटाने कोई मंशा है? सर आप देख रहे हैं की आपको बताएं, हम सिविल लाइन में आपको बता दें कि आज यहाँ पर ये जो पीछे आप मेरे पीछे जनसलाब देख रहे हैं, पुरुष सैनिक संगठन के द्वारा यहाँ पर अंकिता भंडारी के दोषियों को सजा देने की फांसी देने की मांग की जा रही है। यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हैं, प्रवचन की महिलाएं हैं, पुरुष हैं और भी सामाजिक संगठन के यहाँ पे लोग हैं। हमारे साथ हर प्रकाश काला जी हैं, आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आज ये जो अंक मार्च यहाँ से निकाला है? ये जो है अंकिता भंडारी का जो मर्डर हुआ है वो उत्तराखंड के लिए जो है जो देवभूमि उसे देव राक्षस भूमि बनाने की जो साजिशें चल रही है उसे हम कदापि सफल नहीं होने देंगे। हमने उत्तराखंड राज्य बनाया, उत्तराखंड राज्य देवभूमि है, देवभूमि के लिए बनाया, राक्षसों के लिए नहीं बनाया। इसलिए जब तक अंकिता के हत्यारों को जो है फांसी की सजा नहीं जाए तब तक हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। 15 दिन के अंदर सरकार ने न्यायपालिका ने उन्हें सजा नहीं दी, मौत की सजा नहीं दी, तो उसके बाद जो है बहुत भयंकर आंदोलन होगा। जांच चल रही है लगातार, एसीडी जांच इसमें बैठा रखी है सरकार ने। ये ऐसी जांचें चलती रहती है, वो जो है हवा हवा हो जाते हैं। हमें बिल्कुल फास्ट ट्रैक के द्वारा 15 दिन के अंदर उनकी जो है मौत की सजा चाहिए। यानी कि सरकार ने जो एसआईटी जांच बैठा रखी है, सीबीआई जांच करे, एसआईटी जांच से कुछ नहीं होना। एसआईटी जांच में हमने बहुत देख लिए क्या कि उत्तराखंड आज यहाँ कहीं से कहीं जा रहा, फर्जी नौकरियां लग रही है, एसआईटी जांच का क्या हो रहा? कुछ नहीं, ऐसा सीबीआई जांच कर। एसआईटी जांच पे और सरकार पे आपको इस तरह से जिस तरह से सरकार चल रही है, वहाँ जो है डोजर किस लिए जो है जेसीबी चला दिया वहाँ? क्या मतलब किसका ऑर्डर है? डीएम बोल रहा हमारा ऑर्डर नहीं, मुख्यमंत्री बोल रहा हमारा ऑर्डर नहीं, जेसीबी चलानी वो सबूत नष्ट करने के लिए जो वहाँ जेसीबी चलाया गया, ये सब राजनीतिक साजिश का मकसद ये है कि अंकिता के भंडारी के जो हत्यारे उन्हें सरकार बचा रही है, सरकार बचा रही है, राजनीतिक संरक्षण मिल रहा उन्हें। बिल्कुल क्या कहना? बिल्कुल बचा रही है गवर्नमेंट। एसआईटी की जांच बैठा रखी है सरकार ने, उस पर जांच चल रही है। सरकार को इतनी जल्दी क्या थी उसका रिजॉल्व तोड़ने की, आग लगाने की क्या आवश्यकता थी? वो सब एविडेंस छिपाने की कोशिश की गई है। सब तो मुख्यमंत्री के इस कार्य की सराहना कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने अपराधियों के जो रिसोर्ट है उस पर बुलडोजर चला दिया, आप उनकी वो उनकी प्रशंसा की जगह उनकी गवर्नमेंट उनको बचा रही है, इसलिए बुलडोजर चलाया गया किस बचाने खत्म हो जाए, एविडेंस खत्म करने के लिए। क्या सही कह रहे हैं? ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। डीएम कह रहा है कि हमने कोई बुलडोजर का आदेश नहीं दिया, सरकार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वहाँ पे जो हमारी रेणु बिष्ट है विधायक वो कह रही है कि वहाँ पे 3 बजे हमने बुलडोजर चलाया, किसके आदेश से दिया? इसका मतलब है कि इसमें कोई मिली भगत है, और मैं कहना चाह रहा हूँ धामी सरकार को इसका सही सही निर्णय लिया जाए और जो अपराधी है उनको फांसी से कम सजा न दी जाए। भगत की बात कह रहे हैं, किसकी मिली भगत लगती है आपको इसमें? कहना ये है कि सरकार को रिजॉर्ट गिराने की इतनी क्या जल्दी थी? क्या सबूत मिटाने कोई मंशा है? सबूत मिटाकर अपराधी को बचाने की कोशिश की जा रही है, पहले हमारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं उसके बाद रिजॉर्ट को गिराया जाता। मेरा कहना यही है कि अंकिता भंडारी जी को न्याय दिया न्याय दिला जाए, मेरा ये कहना चाहता हूँ बस। न्याय उनको मिलना चाहिए, तो न्याय के लिए सरकार काम कर रही है।
लेकिन सरकार ने जो रिसोर्ट जल्दी गिराया उसको लेकर आपके मन में कुछ वो सवाल है हमारे बेटा है। आरोपी किसका बेटा है? बीजेपी के नेता का बेटा है ना, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी इसमें शामिल है। दैट्स ऑल। उसके पिताजी को भी सस्पेंड कर दिया, उसके भाई को भी। अब करें ना, जब कहे पूरा काम चल रहा है इनका, कितने सालों से काम कर रहे हैं ये लोग, अब सस्पेंड किया है। ऐसे लोग क्यों हैं इनकी पार्टी में? तो आप देख सकते हैं काफी नाराजगी सरकार के विरुद्ध यहाँ पे नजर आ रही है, और यहाँ पर महिलाएं भी हैं। क्या कहना चाहेंगी अंकिता भंडारी को लेकर? जिस तरह से लोगों ने बताया कि जो SIT जांच है वो जांच ना होगी, CBI जांच हो उस चीज को लेकर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार जो उचित लग रहा है वो कर रही है, और क्योंकि बीजेपी सरकार है तो उसको हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारी सरकार है, तो मुझे लगता है कि न्याय सही से होगा। यहाँ पर महिला कह रही है जांच चल रही है वो बिल्कुल सही तरीके से हो, और SIT जांच ना होकर उसकी CBI जांच की मांग जो की जा रही है सही है? सही है, हमें तुरंत न्याय चाहिए और तुरंत फांसी होनी चाहिए, और अगर नहीं करती है सरकार इसका फैसला हमें खुद दो, हम खुद खुद लेंगे उसको, वो हमारी सरकार हमारे हवाले कर दो, हम खुद मार देंगे, हम खुद कर देंगे कुचल उसका। इसको फांसी होने चाहिए, तुरंत होने चाहिए, आज होने चाहिए, अभी होने चाहिए। हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक कुछ हमें न्याय नहीं मिले, हमारी बेटी को न्याय नहीं मिले, हम पीछे हटने वाले नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ने जिस तरह से भी बताया रिसोर्ट में भी अपना काम कर रही है, तुरंत करो जो भी कर रहा है, तुरंत करो अपना काम, नहीं तो खुद हमें दे दो, हम अपने आप खुद लेंगे उसको, हमारे हवाले कर दो, हम करेंगे उसके अकल ठिकाने लगा देंगे। जनता का साफ तौर पे कहना है कि अंकिता भंडारी के हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी की सजा होना चाहिए, उनको उनपे कार्रवाई चाहिए, यदि उनपे कार्रवाई नहीं होती तो जनता के हवाले कर दो, जनता अपने आप उनका हिसाब। कातिलों को हमारे हवाले कर दो, उसके बाद हम खुद देखते हैं, अगर सरकार कुछ नहीं करती है जल्दी से तो हमने बनाई है सरकार को, हमारा देखना चाहिए। ऐसे कई महिलाओं के साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं, अंकिता भंडारी को लेकर इतना क्यों? क्यों, उसकी छोटी सी लड़की थी यार, वो नौकरी करने गई थी, बेटी थी, गरीब घर से थी, नौकरी करने को सपने होंगे उसके, सपने पूरे करने गई थी, लेकिन उसके साथ इतना गलत हुआ तो हम लोग चुप कैसे बैठे? हम भी किसी की बेटियां, किसी की बहुएं हैं, हम नहीं चाहते कि कल को हमारे साथ कोई ऐसे करे, या हमारे बहन बेटियां किसी के साथ करे, तो आज उसके साथ है कल हमारे साथ होगा। पूरी दुनिया में इतनी लड़कियां बाहर निकलना बंद कर देंगी इनकी वजह से, ऐसे कैसे चलेगा? अब यहाँ से आप कहाँ किधर जा रहे हैं, क्या करेंगे आप? वी वॉन्ट जस्टिस फॉर अंकिता, हम उसके लिए जस्टिस चाहते हैं, जैसा उसे मारा गया है वैसे ही उसे भी मारे, पानी में डुबा कर, पानी में डुबा के मारेंगे कह रहे हैं, पूरे हाल करके मारेंगे। उत्तराखंड में जितने भी अवैध रिसोर्स है ना, सबको ध्वस्त किया जाए, सबको ध्वस्त किया जाए, और इनकी मनमानी नहीं होनी चाहिए यहाँ। सरकार की मिली भगत है, सब मिली भगत है इनकी, पटवारी पर रिपोर्ट लिखवाने गए, वो पटवारी गायब हो गया, पटवारी पे भी इंक्वायरी होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। अच्छा, फिर इसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए। चलिए जी, क्या कहना चाहेंगे आप? तो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की नेत्री भी हैं, क्या कहोगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इतना यहाँ पर गुस्सा महिलाओं में दिखाई दे रहा है? गुस्सा तो वह गाँव की हमारी बेटी है, वो हमारी बेटी है, बहन है, ऐसा अत्याचार क्या है? चाहे बीजेपी हो, कोई भी हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन ये गलत है, ये सब गलत है। सरकार बीजेपी की अपनी, आपको लगता है सरकार की मिली भगत है? सरकार की मिली भगत तो नहीं है, पर उन बोल रहे सरकार की मिली भगत है, सरकार उनको बचाना। सरकार की मिली भगत नहीं है, वो सब लोग मिले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार की मिली भगत नहीं है, पर वो लोग मिले हुए हैं, वो कोई नेता भी तो सब मिले होंगे, वो सब लोग मिले हुए हैं, सबकी चाल है वो तोड़ने। मुख्यमंत्री जो कार्रवाई कर रही है, हाँ करना चाहिए, मुख्यमंत्री कार्रवाई करनी चाहिए, सबके साथ खिलाफ करना चाहिए। उनकी जो कार्रवाई कर रही है वो सही है? हाँ करनी चाहिए कार्रवाई। SIT जांच जो करवा रहे हैं, बोल रहे हैं SIT जांच से कुछ नहीं होता, CBI जांच होनी चाहिए, वो सही है? सारी जांच भी होनी चाहिए, सारी जांच होनी चाहिए, सबकी जांच होनी चाहिए। जी क्या कहना चाहेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि SIT जांच जो हो रही है वो सही है, लेकिन जो काला जी बोल रहे हैं, कह रहे हैं SIT जांच नहीं, इसमें CBI जांच होनी चाहिए, अंकिता के भंडारी के जो हत्यारे हैं उनको बचाया जा रहा है। नहीं बचाना नहीं चाहिए उनको, बचना उनको तो फांसी देनी चाहिए, हाँ पक्का। फांसी नहीं देते फिर क्या करोगे आप लोग? कि वो हम चाले करो, हम मारेंगे उनको, जैसे उन्होंने हमारी बेटी मारी वैसे उनको हम मारेंगे, वही दशा करेंगे उनकी। क्या अब यहाँ से कहाँ जा रहे हो आप लोग? अभी कहीं सारा बाजार घूमेंगे हम। क्या करोगे? बुरी रैली करेंगे। अच्छा। और क्या कह रहे? दीप जलाएंगे, उसके आत्महत्या दीप भी जलाएंगे, जो जो हाँ सब कुछ करेंगे। तो आप देख रहे थे काफी गुस्सा यहाँ पर जो पर्वती जन की महिलाएं हैं उनमें और पुरुषों में है, सब देखते हैं यहाँ पर काफी लोग जो यहाँ पर हाथों में मोमबत्ती लेकर जो अंकिता भंडारी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, और आपको हम बता दें कि कई लोगों में वो अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी दिलाने के लिए मांग भी कर रहे हैं, और काफी लोगों में गुस्सा भी है। एक महिला हमारे साथ है, काफी गुस्से में नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे?
हम तो ये कहते हैं इन्हें अंदर करो ही ना, इनको जनता के हवाले करो, जनता इनका निर्णय लेगी। क्योंकि जितने भी देश में ऐसे गद्दार लोग बैठे हैं, इनको अंदर डाल के पालो मत, इनको जनता के हवाले करो। जो ये दूसरे के साथ कर रहे हैं वो हम इनके साथ में करें। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके रिसोर्ट पे बुलडोजर चला दिया। कहाँ चला, कहाँ चला? वो तो वहीं का खड़ा है, उसका खाली वो जो रिसेप्शन था वो वाला रूम तोड़ा, कहाँ चला? मैं तो कह रही कि SIT जांच बिठा रखी सरकार ने, काम कर रही है। चलो SIT जांच बिठा रखी होगी वो बात अलग है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इनकी संपत्ति पे पूरे पे जैसे योगी सरकार करती है पूरे में बुलडोजर चलना चाहिए इनके पूरी अवैध संपत्ति पे। और जो ये लोग गद्दारी कर रहे हैं इनको उत्तराखंड से भगाना चाहिए। इन गद्दारों को क्या कह रहे हो? इनकी 23 करोड़ की संपत्ति है, इनकी संपत्ति पे या तो बुलडोजर चलाया जाए या तो वो 23 करोड़ की संपत्ति अंकिता के माँ बापों के नाम कर दी जाए। हमारी धामी सरकार से यही गुजारिश है और ये योगी जैसी सरकार से हमें उत्तराखंड में कि एकदम से इन डाकुओं को इनकाउंटर कर दिए, मार दिए, हमें फांसी चाहिए उनकी, नहीं तो तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। हमने इसी बलिदान से उत्तराखंड भी लिया है। और धामी जी जो है यहाँ के प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो योगी जी जैसा काम नहीं कर रहे क्या? योगी जी जैसे काम नहीं कर रहे, योगी जी का पक्का निर्णय होता है कि आज गद्दारी की, शाम को वहाँ बुलडोजर चल जाता है। धामी जी ने तब तक बुलडोजर नहीं चलाया, जो अंकिता का रूम था सिर्फ उसी में बुलडोजर चलाया, क्योंकि वहाँ से उनको कोई सबूत मिलने थे इसलिए उसमें बुलडोजर चलाया। हमें बहुत उबाल है, हम उत्तराखंड के लोगों पर बहुत उबाल है इस टाइम, हम बिल्कुल उनकी फांसी चाहते हैं। और अगर फांसी नहीं करना है तो उन्हें जनता के हवाले करिए। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक नेता भी यहाँ मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। सचदेवा जी, जी क्या कहना चाहेंगे? काफी रोष जनता में दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अंकिता भंडारी के जो हत्यारे ने फांसी दिलाने की मांग कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ये जोश इन लोगों का जायज है, बहुत ही घृणित कार्य हुआ है। इसमें राजनीति से उठकर हम सभी लोग साथ हैं, सबके घरों में बहु बेटियां हैं, ये बहुत घृणित कार्य हुआ है और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और इसके अलावा उन लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए, उस पूरे परिवार का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए जो अपने आप बड़े संस्कारवान बनते हैं पर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, भूखे बेड़ियों की तरह छोड़ दिया समाज के अंदर, जाओ और इन बच्चियों को तुम अपना शिकार बनाओ, ये कैसा संस्कार है इन लोगों का? इन लोगों का सामाजिक बहिष्कार भी होना चाहिए और सरकार जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करके इन लोगों को सजा दिलवाए, मेरा यही अनुरोध है। क्या आपने आज यहाँ पर प्रार्थना करी है, यहाँ पर जो आपने श्रद्धांजलि दी गई है मोमबत्ती लगा ईश्वर से? हम तो यहाँ पर इसलिए बैठे हैं कि बस भगवान अंकिता की आत्मा को शांति प्रदान करे। जिस तरह उसको कष्ट हुआ, जिस तरह उसको कष्ट हुआ, उसकी आत्मा को शांति प्रदान करे, हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इतना जरूर चाहेंगे कि उन भेड़ियों को सरकार छोड़े नहीं। अगर धामी सरकार उनको छोड़ रही है तो धामी सरकार का भी घेराव किया जाएगा। यहाँ पर हम सब पार्टी से उठ करके बात कर रहे हैं, पूरा यहाँ पर हमारा पार्टी से कोई मतलब नहीं, हम सब यहाँ पर एक दुखी मन से यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस जगह की लड़की थी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी की, उस डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में कितने नेता हैं, तीरथ सिंह वहाँ के हैं, निशंक जी वहाँ के हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ के हैं, हरक सिंह रावत जी वहाँ के हैं और धन सिंह रावत जी वहाँ के हैं, रेणु बिष्ट वहाँ की है और भोगड़ा जी वहाँ के, एक भी नेता उनके आंसुओं को पूछने के लिए उनके घर में नहीं गया, जाना चाहिए थे। फिर हम विपक्ष की बात, हरीश रावत जी तो मिले थे उनसे विपक्ष, हम बिल्कुल मानवता के नाते हरीश रावत जी कहते हैं हम पार्टी कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस टाइम मानवता से उठ करके बात कर रहे हैं। हरीश रावत जी कहते हैं हम उनका धन्यवाद करते हैं, वो उस परिवार के आंसू पोंछने के लिए थे। मैंने जितने नाम गिने सारे डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल के हैं, अरे लड़की भी डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल की है। रावत जी भी है हमारे साथ, ये भी भाजपा नेत्री हैं, क्या कहना चाहोगे? आप भी मंडल उपाध्यक्ष हैं, क्या कहोगे? मैं जो हमारे मतलब भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पौड़ी से जो है उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप भी जाएं और एक बार अंकिता के हाल को जानें, उनके परिवार के हाल को जानें कि वो किस हालत में अपनी बेटी के दुख को मना रहे हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर अंकिता की आत्मा को शांति दे। तो फिर इस तरह का आंदोलन करने की जरूरत पड़ती? इस समय तक जो है साले अंदर होते, यहाँ समझ रहे, इस समय तक बाहर नहीं रहते। और अगर तुम्हारे अंदर इतना दम नहीं है, हमारे को दे दो, हमें दो, हमें बताओ, हम निर्णय लेते हैं ना इसका, हमें पता है। हम ये देखो,
हर एक आदमी का एक विचार है, भाव है। क्या विचार है? मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के घृणित कार्य करने वाले आदमी को तो बिल्कुल जिंदा रहने की कोई अधिकार ही नहीं है, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, सरकार काम कर रही है, काम करती रहेगी, करते रहते हैं, जिसकी भी है जैसे भी है करते रहें, लेकिन निर्णय किसको लेना है? हमको लेना है। और अगर उसमें विलम्ब हुआ तो ये निर्णय ये इतना आसान नहीं है, इतना हल्का मत लेना कभी किसी चीज़ को कि ये यहीं पे हो जाएगा, ये वहाँ तक जाया जाएगा, वहाँ तक जहाँ तक इसका निर्णय होगा वहाँ तक पहुँचेंगे। ये उसके परिवार को मुआवजे दिलवाने की मांग किए कर रहे हैं यहाँ के लोग, और साफ तौर पर कह रहे हैं भाई जो अंकिता भंडारी के साथ हुआ है वो आगे किसी और लड़की के साथ ना हो, जिसको लेकर आज यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया है।